हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रेड्डू और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज तारीख है 1 सितंबर 2021 और मैं हूं अभी फिरोजपुर में और आज हम हिचहाइक कर रहे हैं अबोर तक। चलो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। अभी मैं अपने होस्ट के घर से आया हूं, उन्होंने यहां हाईवे तक छोड़ दिया है, अभी अबोर तक हिचहाइक करेंगे। चलो देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है। भाई अभी मेरे को वहाँ से फिरोजपुर से एक पाजी ने 20 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी थी। फिर यहाँ पे कुछ ट्रक वाले भैया खड़े थे, उनसे मैंने बात वगैरह करी तो भाई अभी अबोर तक की तो लिफ्ट मिल गई है। भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दी है, इनका नाम है, भाई साहब का नाम सुखराम। भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दिया अभी अबोर तक, तो ये मेरे को यहीं पे खड़े हुए मिल गए थे। मैंने इनसे बातचीत करी तो ये पता चला ये अबोर जा रहे हैं। मैंने बोला पाजी भाई साहब लिफ्ट दे दो, ये बोले तो चलो, तो अभी चलो भाई अबोर ही मिलते हैं। इसमें खतरा रहता है। तो भाई मैं अभी आपको बताता हूँ अभी का क्या सीन है। तो ये सुखराम गोदारा भाई साहब जा रहे थे गंगानगर और यहाँ पे अबोर में मेरे को छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अबोर में कुछ घूमने का तो है नहीं। तो मैं भी बोला पंजाब में बहुत दिन हो गया, अभी राजस्थान चलते हैं। तो अभी इन्हीं भाई साहब के साथ जा रहा हूँ मैं गंगानगर में, तो इन्होंने मेरे को अभी लिफ्ट दे दी है। तो अभी देखते हैं कि गंगानगर में क्या कुछ सीन रहता है, कहाँ पे मैं रुकता हूँ आपको बताता हूँ गंगानगर में पहुँच के। रात के 2:40 आपको दिख रहा होगा। अभी उन लोगों ने मेरे को यार गंगानगर में उतारा है, सुबह से 10 बजे से मैं चला हुआ हूँ, अभी 2:40 पे यहाँ पे गंगानगर में पहुँचा हूँ। तो अभी तो आज यहाँ पे ढाबे पे ही सोऊंगा, यहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं तो सेफ है। तो आज की रात तो यही काटेंगे, दिन में गंगानगर घूमेंगे और शाम को देखते हैं फिर क्या करना है। चलो फिर मिलते हैं। अभी मिले हैं हमको गंगानगर के सरपंच और इन्होंने दिया हमको लिफ्ट। अपना नाम क्या भाई? दीपक भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दी है यहाँ तक बालाजी धाम तक, ये यहाँ के गंगानगर के सरपंच है भाई साहब। तो भाई मैं अभी आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो दीपक भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दी थी, तो वो उन्होंने मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक फ्रेंड भी यूट्यूबर है, तो वो यहाँ पे हम मेरे को होटल में ले आए। तो यहाँ पे मैं मिला एग्रीटेक गुरु जी से, तो इनसे मिलके यार बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला यूट्यूब के बारे में भी और कैसे क्या कुछ करना है। तो यार इसीलिए मेरे को हिचहाइकिंग इतनी पसंद है यार, आपको ये नहीं पता दूसरी सेकंड पे आपको कौन बंदा मिल जाए और आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस हो जाए। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू दीपक सर भाई साहब और थैंक यू मैं कह रहा हूँ चित्तौड़गढ़ आओ मेरे पास आराम से, पूरा चित्तौड़गढ़ में घुमा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ अपने कैमरामैन साहब है राहुल जी, ये सारी चीजें घुमा देंगे आपको। बिल्कुल भाई साहब, चित्तौड़गढ़ आऊंगा सबसे पहले आते ही आपके पास फोन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से। कांग्रेचुलेशन, ये यात्रा करे बहुत हिम्मत की बात है। बिल्कुल थैंक यू भाई। तो यार मैं वहाँ से ढाबे से बस उठा था 9 बजे से, फिर मैं वहाँ से फ्रेश होके चाय पी के निकल ही रहा था, फिर मैंने लिफ्ट के लिए हाथ दिया तो भाई यार वो दीपक भाई साहब रुक गए। दीपक भाई साहब ने लिफ्ट दी तो उनसे बातें बातें हुए, तो उन्होंने बताया कि मेरा दोस्त यूट्यूबर है, तो वो मेरे को उनके पास लेके गए सुरेश भाई साहब के पास। उनके 6.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे यार, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार, यूट्यूब के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। और यार हिचहाइकिंग इसीलिए अब मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है, अपने को ये नहीं पता अपने को दूसरी मिनट पे कौन सा बंदा मिल सकता है। तो अभी बस उनसे मिल के आया हूँ, तो वहीं पे उनके होटल पे मैं नहा भी लिया, अभी नहा के फिर मैं यहाँ पे आया हूँ बालाजी धाम पे, बालाजी धाम के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पे एक एशिया का बिगेस्ट डेफ एंड डम स्कूल है वहाँ पे भी चलते हैं। तो अभी तो चलते हैं यार यहाँ पे बालाजी धाम पे, देखते हैं क्या कुछ सीन है। ये है भाई बालाजी धाम, चलो देखते हैं क्या कुछ सीन अंदर बालाजी धाम, यहाँ के दर्शन करते हैं। चलो नहीं नहीं सर जी, लिफ्ट ले लेके या पैदल, बाइक पे नहीं।
हाँ चलो भैया चले, कोई चलती है। अच्छा हाँ, 8 रुपए में कोई भी खाना खा सकता है। अच्छा यहाँ का मेरी रोल है, हाँ चैरिटी बेस पे चलता है। यहाँ पे गर्ल्स का है, हाँ ये इधर बॉयज का हॉस्टल। अच्छा बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं रहते हैं। ये बॉयज का हॉस्टल है, ये गर्ल्स का हॉस्टल है। जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जगदम्बा आंखों का हॉस्पिटल है पूरा। अच्छा आई के रिलेटेड कोई भी अगर कोई इशू हो, हाँ तो यहाँ पे आके आप चेक करवा सकते हैं, और बहुत जेन्युइन और रीजनेबल रेट पे, बहुत प्रोफेशनल। गंगानगर के अंदर दो प्रेजेंट है, रविंद्र कौशिक जी, वो गंगानगर से, जिनके नाम पे रविंद्र पटोल का नाम दिया। अच्छा वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को तबाह करके। अच्छा जहाँ सुबह शाम पूजा होती है, हाँ आरती होती है, अंदर आरती चलती है। अच्छा हाँ जी, अच्छा प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पे भी नंदी महाराज शिव जी के सामने इस तरह से विराजमान है, उनके कानों में अगर कोई बात अपनी इच्छा अगर मांगी जाए तो उस इच्छा की पूर्ति नंदी महाराज के जरूर बोले नाथ करते हैं। अच्छा साफ की आकृति भी दी गई है आपको, ये पूरा चांदी का बना हुआ है। ये नंदी जी पहाड़ों में, तंद्राओं में, गाँव में, और
ये कला का एक बहुत बड़ा धन है, क्योंकि जितना कुछ भी आप इसके अंदर देख रहे हो वो प्रतिबिंब तो ऐसा दिखता है कि वो बिल्कुल असली है, और ये सब की सब चीज़ें लगी हैं इसमें। पर ये कारीगर की कलाएं इतनी हैं कि आप एक हर एक पत्ते की डिटेलिंग देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कोई 500 साल पुराना वृक्ष खड़ा है। चार वेद, चार ऋषि लेके चार वेद खड़े हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इस पर उसके अलावा जो बड़े बड़े ऋषि हैं। अच्छा, उस तरह से गुफा का आवाज देने के लिए शिव शांत और विष्णु भगवान जी। गंगानगर की खूबसूरती यह है कि यहाँ सब धर्म संभाव है, यहाँ आपको कभी धर्म के ऊपर लड़ाई कभी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे मंदिर में ही बैठा हुआ था तो वहाँ पे मेरे को ये योगेश्वर भाई मिले, इनसे मेरी बातचीत हुई तो ये बोले कि चलो मैं आपको पूरा गंगानगर घुमाता हूँ। तो अभी ये निकले मेरे को पूरा गंगानगर घुमाने, और मेरी फ़ोन से वीडियोस भी अपलोड नहीं हो रही थी, मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो उन्होंने मेरी वीडियो अपलोड करने में बहुत हेल्प करी। और भाई साहब यही आज आपको पूरा गंगानगर घुमाने वाले, आज इन्हीं की आवाज़ में आप पूरा गंगानगर घूमोगे। देखिए ऐसा है, सभी दोस्तों को, साथियों को जो भी अपने भाई का चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो इसकी मेहनत को पूरा सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा पर इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बात जो ये गंगानगर आप सभी का वेलकम है, आप जहाँ भी रहते हैं छुट्टियों में कभी भी आइए, पर्यटन स्थल बहुत बढ़िया है गंगानगर में, घूमने के लिए एक बहुत जगह है। अध्यात्म की दृष्टि से गंगानगर के अंदर बहुत बड़ा महत्व है, बड़े बड़े अखाड़ों के संत जो हैं वो पुराने महामंदिर पंडित जो हैं वो गंगानगर के अंदर गंगानगर धरती पर वास करते हैं। गंगानगर जो चहल चौक मंदिर है, शिवालय वहाँ के महंत हैं, मेन शिवालय जो है वहाँ पर है। जिस मंदिर में हम यहाँ खड़े हैं ये नागेश्वर मंदिर है, जहाँ स्वामी ब्रह्मदेव जी यहाँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा स्कूल है जहाँ पर मूक बधिर बच्चों की सेवा की जाती है, उन्हें रखा जाता है, उनके लालन पालन पोषण की सब रखवाली यहाँ पर की जाती है। हॉस्पिटल भी है, ये हॉस्पिटल भी यहाँ पे नेत्र चिकित्सालय है, जहाँ के आप किसी भी तरह के इलाज को आप करवा सकते हो, और बिल्कुल रीजनेबल चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, ये उसी चैरिटेबल रेट के ऊपर आप यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं। और प्रोफेशनल्स डॉक्टर हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल पूरे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चैरिटेबल है तो बिल्कुल ऊपर से करके आपको भेज देंगे और आपको बताएंगे नहीं क्या है क्या नहीं है,
बिल्कुल सही गाइडेंस, सही दिशा निर्देश, चिकित्सकों की देखरेख में आपका पूरा इलाज किया जाता है। और कोई सक्षम नहीं भी है तो भी यहाँ की समिति उनका पूरा सहयोग करती है कि आप उनका अपना इलाज करवा सकें। पैसों की कमी के चलते आप ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपका इलाज नहीं हो, सहयोग करने वाले खूब हैं। आपको सिर्फ आने की देरी है, उसके अलावा कोई देरी नहीं है और सबका वेलकम है। और गंगानगर के छोटे छोटे इतिहास टुकड़ों में आपको और समझाते रहेंगे। और यहाँ पे एक सरकारी रसोई भी है भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ विद्यालय के ही बाहर एक सरकारी रसोई है जहाँ पे सिर्फ 8 रुपये का शुल्क देकर आप भरपूर पेट भर भोजन कर सकते हैं। और ऐसा स्वादिष्ट भोजन जो इंदिरा रसोई के नाम से यहाँ पे सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और गरीब लगभग 200 से 250 लोग रोज़ यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं। आप भी आइए, हम भी लोगों को प्रमोट करते हैं इस तरह से कि अपना जन्मदिन जो होते हैं कि हम लोग केक कट करके इधर उधर पार्टीज करके सेलिब्रेट करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। पर उसके अलावा भी आप अपना ऐसा सहयोग दे सकते हैं कि आपके लगभग 200-250 रुपये या 300 रुपये देने से अगर 30 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ होती है। वृक्षारोपण कीजिए, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप कोरोना काल में देख चुके हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई थी, हर एक सिलेंडर के लिए जान की कीमत लगी हुई थी। तो जितने ज़्यादा वृक्ष आप अपने जन्मदिन पर, सालगिरह पर वृक्षारोपण करेंगे, नए नए बच्चों को, आने वाले बच्चों को अगर ये चीज़ सिखाएंगे तो बहुत अच्छे संस्कारों का बीजारोपण आप इस वक्त करेंगे जो आगे जाके बहुत बड़े पीपल के वृक्ष के रूप में आपके सामने आएंगे। और माता पिता की सेवा कीजिए, सबसे बड़ा है, क्योंकि माता पिता धरती के ऊपर ऐसे जीवंत भगवान हैं, माता पिता और आपके गुरुजन, सब उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनके आशीर्वाद को अपने मस्तक पे लेके रखिए। जय जी, हर हर महादेव। थैंक यू भाई।